मुजफ्फरपुर जिले के कांटी क्षेत्र के पानापुर करियात हाई स्कूल के मैदान में आगामी 9 फरवरी को सामाजिक कार्यकर्ताओं का महा समागम होगा, जहां कार्यकर्ताओं बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई व कांटी के विकास के लिए संघर्ष की रणनीति बनाएंगे। उक्त आशय की जानकारी शुक्रवार को महासमागम के संयोजक व पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने अपने बीबीगंज स्थित आवास पर पत्रकार सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता महासमागम में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी विचार विमर्श कर कार्य योजना तैयार करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि महासमागम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10,000 सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं के लिए सामूहिक भोज की भी व्यवस्था है। महासमागम की अध्यक्षता मुखिया इंद्रमोहन झा करेंगे। इस दौरान उन्होंने मौजूदा मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार ने देश की जनता के साथ भारी विश्वासघात किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय मोदी जी ने देश की जनता से महंगाई रोकने, बेरोजगारों को रोजगार देने तथा किसानों को उनकी लागत पूंजी का दोगुना लाभ देने की बात कही थी। इसी मुद्दे पर देशवासियों ने मोदी जी को देश का नेतृत्व सौंपा था, लेकिन आज सरकार इन सारे मामलों को अपने एजेंडे से बाहर निकाल दिया है, जिस कारण लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है, जो काफी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस विकट स्थिति के खिलाफ आज एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है। हाई स्कूल के मैदान में 9 फरवरी को सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक महासमागम आयोजित की गई है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता बैठकर देश में बढ़ते बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर व्यापक विमर्श करेंगे और फिर हम लोग उन मुद्दों को लेकर एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का भी ऐलान करेंगे। आप सबको मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में देश के नौजवानों से, देश के किसानों से बड़ा ही स्पष्ट रूप से कहा था कि आप हमारी मदद करिए, हम देश से बेरोजगारी हटाएंगे, महंगाई को नियंत्रण करेंगे और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाएंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि दूसरी बार हम सबों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन देश में जो कमर तोड़ महंगाई है, जो बेरोजगारी का आलम है, हम समझते हैं कि लोग त्राही माम की स्थिति में आ गए हैं। इतना ही नहीं, जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा मुद्दा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित सरकार के जो अन्य कल्याणकारी योजना है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण सारे योजनाओं पर बिचौलिए हावी हो गए हैं। गरीबी दूर करने की बात हो रही है, लेकिन गरीब ही दूर हो रहे हैं और दिनों दिन समाज में गरीबी बढ़ता जा रहा है। इन्हीं सारे सवाल को लेकर हम लोग उस रोज बैठेंगे, चर्चा करेंगे और एक बड़ी लड़ाई मुजफ्फरपुर से हम शुरू करेंगे। आप सबको मालूम है कि आप पत्रकार भाइयों, मीडिया के सहयोग से हमने एक बड़ी लड़ाई जंगली जानवर के आतंक के खिलाफ इस जिले में लड़कर निर्णायक मोड़ पर उस लड़ाई को ले गए थे, लेकिन वैशाली के माननीय एमपी महोदया और कुछ इस जिले के तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उस लड़ाई को हाईजैक करने का कोशिश किया। तो मैं, चूंकि हमारा जनता और किसान के साथ कमिटमेंट है, मैं अपने आप को थोड़ा स्लो कर लिया था, लेकिन एक महीने के अंदर सारे नेता जो आगे आए थे टाए टाए फीस हो गए। हम 9 तारीख के सामाजिक कार्यकर्ताओं के महासमागम में हम उस मुद्दों पर भी सेकेंड फेज का लड़ाई का ऐलान करेंगे और कुल मिलाकर आगामी विधानसभा के चुनाव में कांटी क्षेत्र में क्या रणनीति रहेगा हमारा, कैसे जो विकास का पहिया बिल्कुल धंस गया है, कैसे उस पहिया को हम लोग फिर सरजमीन पर लाकर आगे बढ़ाएंगे, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग एक व्यापक रणनीति तय करके ऐलान करेंगे। इसी संदर्भ में आप पत्रकार बंधु भाइयों को बुलाया था और 9 तारीख कांटी के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जहां 10,000 से ऊपर कांटी क्षेत्र के सोशल वर्कर बैठकर समाज का जो विकास बैठ गया है उसको चालू करेंगे। और एक बात और करना चाहेंगे कि आज देश में भले कई ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन
जो स्थिति बन गई है कि इमोशनल इशू को आगे करके जो मूल समस्या है उसको साइडलाइन पर लाया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। हम सब चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि एक बड़ी लड़ाई नौजवानों का प्रारंभ हो और मूल जो हमारा समस्या है जिस मुद्दे पर सरकार बनी थी, हम मजबूर करें लड़ाई लड़के कि सरकार उन मूल और उतरेंगे नहीं। कांटी की जनता पिछले 5 वर्षों से विकास से काफी दूर चली गई है। जो सड़कें बनी थी जर्जर होकर खंडर हो गया, अस्पताल का दुर्दशा हो गया, विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण दूषित हो गया, चाहू ओर अराजक स्थिति है। हम इस बार जनता के सहयोग से एक बार फिर कांटी का विकास का बीड़ा अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ेंगे, सफलता पाएंगे, लोगों के समस्याओं से निजात दिलाएंगे। देखिए, अभी कल हम कार्यकर्ताओं के समागम में इस पर निर्णय लेंगे 9 तारीख को, लेकिन हमारा भरोसा पार्टी साटी पर नहीं, हमारा भरोसा जनता और कांटी के नौजवान और गरीब पर है। गरीबों का नारा है, गरीब अमीर सबका पुकार, एक बार फिर भाई अजीत कुमार। इस नारा पर हमारा काम चल रहा है और हमको लगता है कि 9 तारीख को इसका प्रमाण आपको गरीब वहां निश्चित रूप से देंगे। दो विकल्प है देश में, एक मोदी का विरोध, आप किसको असेस करते हैं, एक नंबर दो नंबर किसको देंगे? देखिए, मोदी जी और मोदी जी का विरोध, मैं दोनों को नकारता हूं, क्योंकि मोदी जी भी कुर्सी के लिए तिक्रम कर रहे हैं और जो विरोध के लोग हैं उनका भी एक उद्देश्य है कि कैसे कुर्सी पाए। मूल सवाल को कोई राजनीतिक दल उठाना नहीं चाहता है। आज महंगाई से गरीब त्रस्त है, 2 जून का रोटी नहीं मिल पा रहा है, समस्याओं का अंबार लग गया है, कोई समस्या पर बात नहीं कर रहा है, सब इमोशनल इशू आगे ला रहा है, मूल समस्या को डाइवर्ट कर दे रहा है। इसलिए हमारा एकमात्र प्राथमिकता है कि जो जनता का मूल सवाल है, गरीबों का जो मूल सवाल है, हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे और उसी के बुनियाद पर सफलता का सीढ़ी भी चढ़ेंगे। यही मेरा अपना बल प्रबल होगा, अपना बल ही प्रबल है, दूसरे के बल अब टिकट लेके आएंगे जनता उसको रिजेक्ट कर देती है, और बिना टिकट वाला प्रमाण है ना सुधीर जी, प्रमाण है कि बिना टिकट वाला पहुंच गया और टिकट वाला घरे रह गया। जनता जिसको टिकट देगी वही टिकट सर्वमान्य टिकट होता है और उसी टिकट पर हम लोग चाहेंगे कि इस बार जनता के सेवा के लिए आ गया जनता का। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।